मैं एक बात का जिक्र आपसे करना चाहता हूं कि मैं मंत्री बनता हूं बनाऊ तो मैं सोचता हूं कि मेरा समय कम है। ये मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पहले बार स्कूल के टीचर मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि मैं पहली बॉल से ही थोर या सिक्स मारने के लिए बैटिंग करता। मेरे जो भी प्लेयर भी वही है, मैं वेस्ट इंडीज के उस समय प्लेयर थे, ग्रिफिथ था, रिचर्ड्स थे, लॉयड थे। तो मैं एक बार क्रिकेट में सुनील गावस्कर भी मेरे मित्र हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं। तो मुझे लगा कि ये जो ताकत होनी चाहिए तो ही क्रिकेट होता है। तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा, सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने कहा तू इतने छक्के मारते हो, स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये स्किल्ड है। मैंने सुनील गावस्कर को भी देखा तो उससे भी वो बहुत ही जोशी जी से भी एक इंच कम होगा, छोटा। तो वो ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बॉलर 6-6 फुट के ऊंचे दौड़ते दूर से आते थे और सुनील गावस्कर छक्का मारता था। तब मैंने उसको भी पूछा, सुनील ये कैसे क्या है? बोले नितिन ये गेम स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है, किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगले हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो MLA थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज हमारे देश का जो GDP है टोटल, उसमें 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52-56% सर्विस सेक्टर से है और करीब 12-14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से है। अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जब कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 85% पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी गांवों में बसती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ है और लोग शहरों में आए। जयपुर की आबादी बढ़ रही, मुंबई की बढ़ रही, पुणे की बढ़ रही, नागपुर की बढ़ रही, दिल्ली की बढ़ रही, गांवों की कम हो रही है। ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। मैं कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की ओवरऑल बात कर रहा हूं। अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि ये कभी डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे अस्पताल बने हुए। कल मैं एक वेटनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मैंने, तो मैं उनको देख रहा था हमारे गांव में, मैं खेती कर देखता हूँ, खेती है हमारे यहाँ, तो हमारे जब गाय गर्म भैंस गर्म हो जाती थी तो डॉक्टर गाँव में नहीं रहता था, डॉक्टर गाँव में आता था तो भैंस गर्म नहीं होती थी, आखिर डेयरी पूरी बंद हो गई, चले गए, क्योंकि इसका टाइमिंग है कभी नहीं मिला। तो गाँव में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है। क्या आपके मतदार क्षेत्र को यूनिट मानकर आप बाकी बातें सोचो, बाकी मत सोचो कि मेरे मतदार क्षेत्र को मैं रोजगार कितने तैयार करूंगा। अभी मैंने तय किया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने अभी तक 56,000 लोगों को रोजगार दिया है, लिस्ट है नामों की, और मैं अगले 3 साल में 1,00,000 लोगों को पूरा करूंगा। तो नेचुरली जिसके 2 होट तो होते हैं, कोई भी जात का हो मुझे ठप्पा मारेगा क्योंकि उसका नौकरी मिलेगी तो देने वाला है। देखो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स में देखिए 2 प्रकार का, नेशनल पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स। वैसे पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट। हर आदमी कुछ चाहता है, वो बोलता है उसके बेटे को नौकरी चाहिए, उसके नल को पानी चाहिए, उसका टैक्स कम करके चाहिए, छोटी छोटी समस्या है। ये जो पूरा करेगा बोलती है नेता अच्छा है, रात को आया फोन कराया और मेरा काम कर दिया। तो आपको ये छोटी छोटी बातों से समृद्धता संपन्नता आएगी तो आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। आपके टाउन को, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल टाउन अगर बनाएंगे और लोकतंत्र का जो मकसद है
जो स्पिरिट है उसमें आपको कल्याणकारी राज्य बनाने का, आपने देखो आप शपथ लेते हो, गवर्नर साहब जब देते तो क्या शपथ है वो, मैं कह रहा हूं यही शपथ है कि मैं अपनी जनता के लिए क्या क्या करूंगा, यही बताया गया। तो अगर आप ये करेंगे तो लोकतंत्र यशस्वी होगा और इससे आपकी तो आपका पॉलिटिक्स भी मजबूत होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी मजबूत होगी, लोग भी खुश होंगे और एक प्रकार से उनके लाइफ में बदलाव आएगा। कि मैं किसान होने के नाते मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आज हमारे देश में शुगर सरप्लस है, ब्राजील में शुगर का भाव 23 रुपए किलो है और हमारे देश में हमारा शुगर का भाव 33 रुपए किलो है, 34 रुपए किलो है। तो कहाँ से शुगर हमारा सरप्लस पड़ी है, 310 लाख टन शुगर की हमारी जरूरत है, हमारे यहाँ होती है और 240 लाख टन केवल शुगर हमको लगती है। शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, चावल 350 लाख क्विंटल हमारे गोडाउन में पड़ा है, गेहूँ सरप्लस। तो आपको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा, इसका डिमांड एंड सप्लाई के साथ संबंध है। तेल दिया और डाल दिया दोनों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में देखना होगा। हमारे यहाँ शरद जोशी करके शेतकरी संगठन के नेता थे, बहुत अच्छे विचारक थे, वो कहते थे कि हर साल देखो कि वर्ल्ड में क्या शॉर्ट है, क्या सरप्लस है, डिमांड एंड सप्लाई का रेशो कैसा है। अब जिसका जिसका फुल सप्लाई हो गया, गोडाउन में रखने के लिए जगह ही नहीं, वो चीज़ अगर आप तैयार करोगे तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा किसानों के हित में ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बातों को थोड़ा देखते रहता हूँ। बीच में सोयाबीन की प्राइस MSP थी 3800 और हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाओ। अब सोयाबीन की कीमत 12000 रुपये क्विंटल पे गई, सरसों सोयाबीन फल्ली हमारा सब अभी क्रॉप्स की कीमतें। तो आप अभी राजस्थान में आप तेल भी आज जितनी लगाओगे उतना किसान का भी फायदा होगा और किसान को यह समझाना होगा कि अभी 60% तेल 1,30,000 करोड़ रुपए इस देश के केवल तेल इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें स्वयं पूर्ण बनाना है तेल में और इसलिए साखर शुगर के बजाय अब हमने कहा इथेनॉल बनाओ। मैं 2009 से बोल रहा हूं कि इस देश का किसान हवाई ईंधन बना सकता है, इस देश का किसान गाड़ियां चला, अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने मोटरसाइकिल स्कूटर सब इथेनॉल पर चलाने के लिए शुरुआत कर दी और फ्लेक्स इंजन की पॉलिसी ला रहा हूं। अब आपकी गाड़ी पेट्रोल की होगी, ऑटो रिक्शा पेट्रोल का होगा, स्कूटर पेट्रोल की होगी, तो आपके साथ चॉइस होगा कि 100% इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो। ये अमेरिका में, ब्राजील में और कनाडा में है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो पूरे यहाँ के किसानों का ये गेहूं चावल तैयार करने के बजाय पेट्रोल डीजल तैयार करो। मैंने मेरा खुद का ट्रैक्टर CNG पे कन्वर्ट किया और ये 125,000 रुपये मेरी बचत है साल की। अगर एक किसान के अगर 125,000 बच जाएंगे तो उसकी हालत सुधर जाएगी। तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।